रिश्ता लिखेंगे हम नया। हमारा बनाया हुआ तिरामिसु तो गोल था, ये चौकोर वाला कहां से आया? वाह दिया, ये केक देखने में इतना ब्यूटीफुल है, खाने में तो क्या लाजवाब होगा। ए घूमियो, टकराने सा मेहमान राह देख रहे से। पाव दिया, ये तिरामिसू तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वर्ल्ड का बेस्ट तिरामिसू बनाया आपने। अब बारी है आपकी रिटर्न गिफ्ट की। दादा हुकुम, ठकरानी सा ने मीठा सचमुच इतना अच्छा बनाया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे साक्षी भाई, सच कह रहा हूँ, दिया ने बहुत ही टेस्टी तिरामिसू बनाया है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद टेस्ट करके देख लीजिए। राम जी, सबको तिरामिसू परोस दीजिए। खिलाइए खिलाइए, सबको खिलाइए। रुकिए, इन्हें मत परोसिए, इनके पेट में दर्द से ना, इसलिए दोनों ऐसे बैठे से। चुमकी, इन दोनों को आप खिचड़ी परोसिए। चाहिए ठीक से? ए घूमियो, आपने बिल्कुल सही कहा था दाता हुकुम, ठकरानी सा ने वाकई मिठाई बहुत बढ़िया बनाई सर, है ना? कहीं कहीं है काकू सा, आइए एक मिनट बात करनी है, आइए ना काकू सा, आपके लिए गुड न्यूज है, हमें ऑफिशियल काम से सिंगापुर जाना है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना आप चले हमारे साथ। अब देखिए ना, इतनी शादी की रस्में निभाते हुए आप ही बोर हो गए होंगे, और वैसे भी दिया भाई साहब हम अपने पग फेरे के लिए घर जाने वाले हैं, तो आप अकेले क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ। सुपर प्लान है अश्विना, मैं भी यही सोच रहा था, और मुझे भी हॉलीडे की सख्त जरूरत थी। yes. इस शादी की रस्मों ने तो मुझे भी थका दिया था। आई नो, तो मैं भी काम करता हूँ, इस रस्म को खत्म करके फटाफट शॉपिंग करके आता हूँ। वेरी गुड। ठकरानी सा, पहली रसोई मुबारक हो। वैसे ठकरानी सा, हमें आपसे एक बात करनी थी। एक्चुअली हमें एक फेवर चाहिए, वो आपको पता है ना, हमारी लंग इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट चल रही है, हमारी डॉक्टर है ना वो सिंगापुर में रहती, अब हम अगर आयुष बनना या ईशा कवरानी सा से कहूंगी ना तो वो लोग बेकार में टेंशन ले लेते हैं, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक्चुअली हमें सिंगापुर जाना पड़ेगा, क्या आप आएंगे हमारे साथ? देखिए यहाँ सबको लगेगा कि आप पगफेरी की रस्म के लिए मायके गए होंगे, सो आई डोंट थिंक यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होगा, आप आएंगे ना हमारे साथ? थैंक यू।
पता नहीं हमारा केक किसने बदल दिया और क्यों, कहीं दिख भी नहीं रहा। कुछ सोचा है कि कल आप क्या बनाने वाली हैं? वैसे आप चाहें तो मीठा बनाने की रस्म में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यश बन्ना, आपने दादा हुकुम को देखा कहीं? एक मिनट, काकू सर तो अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए, क्यों कुछ काम था क्या? नहीं। हाँ जल्दी जल्दी खाइए। ससुर साहब आपकी वजह से ना हमने इतना अच्छा तिरामिसू मिस कर दिया, और बीमारों वाली खिचड़ी खानी पड़ी हमें, और सासू मासा ने तो अचार भी खाने नहीं दिया। तभी कौन था आपको उबले आलू खिला रहे थे, अच्छा अच्छा तो खाना खा रहे थे आप। हमने तो बड़े बड़े किस्से सुन रखे थे ठकरानी साह की रसोई के, हमें के पता था कि आज गुगली मारेंगी वो, हीरोइन से हीरोइन बन जाएंगी। हीरोइन लेडी जीरो कही कही है। पास्ता लीजिए ना। हाँ पास्ता से मारा क्या वास्ता। क्या बताऊं, आज तो मैं इतनी टेंशन में था, ठकुराइन साह की रस्म के लिए अगर आज मैंने तिरामिसू नहीं बनाया होता तो आज तो मेरी नौकरी चली जाती। मैंने आपसे तो ये बात कह दी, लेकिन खबरदार से ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। ए घुमिया, हमें तो ये बात पता ही को नहीं चली, हमने तो सुना ही को नहीं। ना 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 ना, तुम जो आ गए हो। क्या कर रहे हो आप? हटिए, मुझे भी देखना है क्या? हटिए हटिए, मेरे पीछे पीछे आइए आइए। ससुर साहब हम, अरे लेकिन क्या ससुर साहब ढूंढ क्या रहे हैं किचन में? आप भी ढूंढिए। अरे ससुर साहब ये तो डस्टबिन है, यहां क्या मिलेगा? स्मेल आ रही है इसमें से। इसी में आया था असली माल। कहां से खुलेगा? ससुर साहब फिर से खोदा पहाड़ और निकला चूहा। एक खाली डब्बे में पूरा ही खा गया कंबख्त। देख थोड़ा सा तो बचा देते। नहीं, पहले दाता हुकुम वापस आ जाए, उसके बाद उनसे बात कर लेंगे। जरूर हमारे कमरे में कोई चूहा घुस आया है। ये तो हमारा बनाया हुआ तिरामिसू है। हेलो शेफ साहब, सच सच बताइएगा, आज दाता हुकुम ने आपसे कोई केक बेक करवाया था? बोलिए हाँ या ना। जी ठकुराइन साहब, लेकिन एक्चुअली वो दाता हुकुम, ठकुरानी साहब आइए। ठकुरानी साहब वो आपको सब बाहर बुला रहे हैं। कैसा लगा, जोर का झटका जोर से लगा या धीमे से लगा? आपका राज सबके सामने आ चुका है। ठग लिया से ठकराली सा ने हमें, जो तिकमांशु इन्होंने बनाया था तिरामिसू। जानते हैं तिरामिसू,
तेरा मिसू जो इन्होंने बनाया था वो दरअसल इन्होंने बनाया ही को नहीं बल्कि केसर महल के शेफ से बनवाया सर। हाँ, टुडे स्पेशल तिरामिसु। ऐसा लगे आप लोग हमारी बात विश्वास को नहीं। अभी दूध का दूध पनीर का पनीर कर देते हैं। फोन करते हैं शेफ को, उसे बुलाते हैं। छोटे ठाकुर साहब, रुक जाइए। घर की बात से घर में ही रहे तो बेहतर। दाता हुकुम का मान कम को नहीं होना चाहिए। ठकराने सा, रसम में सबको जो मीठा खिलाया गया था क्या वो आपने बनाया था या नहीं? आज रसम में जो तिरामिसू था वो हमारा बना नहीं था। देखा, यही तो कह रहे थे हम। और बनाती भी कैसे? किचन में जाकर कड़छी उठाना तो आप 12 साल पहले ही भूल चुकी होंगी ना। पैसा हुकुम जो थी सो बस फोन करके ऑर्डर किया और मंगा लिया। क्यों ठकरानी सा? ऐसी कोई बात नहीं है, हमने रसम के लिए मीठा बनाया था लेकिन उसे तो ठकरानी सा, पत्नी पति की जीवन संगनी तो होवे है, उसके साथ साथ उनकी मान सम्मान का प्रतिबिंब भी होवे है। हम अभी परिवार वालों को तिरामिसू बदलने के बारे में नहीं बता सकते, हमें पहले दाता हुकुम से बात करनी होगी। उसे तो क्या, उसे फेंक दिया और होटल से ऑर्डर करके नया मंगवा लिया और पूरी की पूरी रस्म को आपने झूठा साबित कर दिया। क्यों? अमेजिंग हाँ? ठकराने सा, हमें आपसे ऐसी उम्मीद कौन थी? आपने पहरेदारी का कर्तव्य 12 सालों से बड़ी निष्ठा से निभाया से, शादी को सिर्फ 4 दिन हुए से और आपका ये रिश्ता सिर्फ हमारे चाहने से कौन ही निभेगा? कोशिश तो आपको भी करनी होगी ठकरानी सा, आपने हमें आज बहुत निराश कर दिया से। झूठ बोलू तो नाक लंबी भाई साहब, इतनी अच्छी विलायती मिठाई, पता नहीं ठकराने साने हमें इसे फेंकने को क्यों कह दिया। राम ही जाने उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छी है ना? चुमकी, ये तेरा मसू कहां से आया? रसम में सब लोगों ने खा लिया से ना? हुकुम, पता नहीं ठकरानी सा ने हमें बुलाकर ये दिया और कहा कि हम इसे फेंक दे, हमें भी समझ नहीं आया। आपने तिरामिसू होटल से क्यों मंगवाया? आपने खुद ट्राई क्यों नहीं किया? ठकरानी सा, या आपने ठीक कौन ही किया? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि ये तिरामिसू आपने खुद बनाया से और वो भी इतना स्वादिष्ट, सही तरीके से और सही माप से आपने इतना लाजवाब तिरामिसू बनाया से। देखिए, ये तो सच में बहुत टेस्टी बना है लेकिन हम एक बात को नहीं समझ पाए, इतना स्वादिष्ट तिरामिसू बनाने के बाद आपको होटल से मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? काकी मां साहब, वो केक हमने नहीं मंगवाया था। समझ गए, ये सब रतन सा का किया धारा से ना। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपने सबके सामने ये कहा कौन है? आप ही ने तो हमें समझाया था कि एक पत्नी के कंधों पर
अपने पति के मान मर्यादा को संभालने का जिम्मा होता है। पर ये बात हमारे स्वाभिमान की भी है यशपन्ना, तो हम इस बारे में दाता हुकुम से बात जरूर करेंगे। राम जी, सारा सामान मेरे रूम में रख दीजिए प्लीज। थैंक यू। दाता हुकुम, बहुत थक गए सेना आप, भूख लग गई होगी ना, खाइए। तिरामिसू? हाँ खाइए। माँ साहब, हाउ स्वीट, आपने सुबह की रसम वाली तिरामिसू अभी तक मेरे लिए बचा के रखी है। हाँ, खाइए खाइए, बताइए कैसे है? अच्छा से? वाह, ये तो बहुत टेस्टी है काकी माँ साहब, ये तो सुबह वाली रसम की तिरामिसू से भी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा, ये आपने अपने हाथों से बनाई है ना? आपके हाथों में ना काकी मासा जादू है, जादू। अच्छा, अब जो भी बनाती है ना, टेस्टी तो अपने आप हो जाती है। मन कर रहा है आपके हाथों को अभी के अभी किस कर लूं। दाता हुकुम, रुकिए रुकिए, ये हमने कौन ही बनाया से? तो फिर जिसने भी बनाया से ना, उसी का हाथ चूम लीजिए आप, है ना? एक मिनट, ठकरानी सा। दिया ने जी, दिया आपने? हाँ, ठकरानी साने बनवाया से। चुमी चुमी है इनका हाथ, चुमी है, इन्होंने बनवाया से। लीजिए दाताओं को। रतन सा, ये घनी गलत बात से, इतनी घनी मेहनत करके इन्होंने आपके लिए मीठा बनवाया से, और आपने उसकी तरफ एक बार देखा तक कौन ही, यहाँ तक कि आपने होटल से दूसरा तिरामिसु मंगवाया और उसे बदल दिया। इतना हैरान मत होइए दाता हुकुम, हम जानते से आपने क्या किया से, पूरी रात जाकर इन्होंने आपके लिए तिरामिसु बनाया, इतनी मेहनत की से। यहाँ वहां कौन ही देखिए, हमारे तरफ देखिए, हम आप ही से बात कर रहे थे। आज आपकी वजह से पूरे घर वालों ने इन्हें भला बुरा कहा, हमने भी कहा कि इन्होंने रसम की मिठाई होटल से मंगवाई से, लेकिन इन्होंने चुपचाप सारे ताने सुन लिए और एक बार भी कौन ही कहा कि आपने मिठाई बदल दी थी। काकी मासा, तो मुझे भी क्या पता, एक तो इन्हें खाना बनाना आता नहीं है, और इनकी हाथ की बनाई हुई खिचड़ी मैंने खुद खाई है, और उस खिचड़ी के बाद आउट ऑफ नोवेयर सडनली ये इतना अच्छा तिरामिसू बना लेंगी, तो मुझे क्या सपना आ रहा है? मुझे बस जो सही लगा मैंने वो कर दिया। देखिए, अगर आप आपस में बात करेंगे ना, तो ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आप दोनों पति पत्नी से आप दोनों मिलकर बात करेंगे तो ये सारी उलझने सुलझ सकती से, इतना मुश्किल कौन ही से है। नेकी कर और दरिया में डालो, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना। आप बात करने के लिए मेरे पास नहीं आ सकती थी, सीधा काकी मासा के पास पहुंच के मेरी कंप्लेन लेके। भगवान दाता हुकुम, सच में इम्पॉसिबल है, हम नहीं गए थे उनके पास। अच्छा, तो उन्हें क्या सपना आ गया कि जरूर कोई बात हुई होगी? हाँ, हमें नहीं पता। इससे पहले कि ये दोनों फिर से एक लड़ाई शुरू करें, हमें इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। इन्हें कहाँ याद होगा कि इन्हें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। वो आपको तो कभी कुछ पता ही नहीं होता। एक सेकेंड, फोन आ रहा है मेरा। हाँ यशमिना, अरे आपको याद है ना, हम लोग को सिंगापुर जाना था। आपने पैकिंग की या नहीं की? अभी नहीं। अरे
तो पैकिंग कीजिए ना काको, सर लेट हो जाएंगे। ओके अश्विना। हाँ हाँ प्लीज जल्दी से पैकिंग कीजिए। आप पैकिंग कर लीजिए। जी बुआ सा। मुझे कहीं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.